एक साल की जमा पूंजी थी जो मुझे घर से दी जाती थी किसी चीज के लिए कि आपको कुछ चाहिए तो आप ले लेना, पर मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मैं चाहती हूँ कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने, उस देश का संविधान बचा रहे। जो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी ने डर था तो उन्होंने सारे कांग्रेस के खाते लॉक कर दिए, खाते बंद कर दिए। अब कांग्रेस के पास इतना पैसे तो नहीं है मोदी जी जैसे कि अंबानी अडानी से लेकर आ जाए, ऐसे काम तो है नहीं, ट्रक से लेकर टेम्पो से ले लेकर आ जाए। इसलिए हमने जो हमारी जमा पूंजी थी, मेरी जमा पूंजी थी जो मैंने पवन खेड़ा जी को AICC के लिए, जिया परमार मध्य प्रदेश से आई हैं और उन्होंने अपनी गुल्लक कांग्रेस पार्टी को चंदे के तौर पर दी है। जिया परमार हमारे साथ हैं। जिया बताइए, क्या सोचकर आपने अपना पूरा जो बचत थी पूरा दान कर दिया था? जो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी ने डर था तो उन्होंने सारे कांग्रेस के खाते लॉक कर दिए, खाते बंद कर दिए। अब कांग्रेस के पास इतना पैसे तो नहीं है मोदी जी जैसे कि अंबानी अडानी से लेकर आ जाए, ऐसे काम तो है नहीं, ट्रक से लेकर टेम्पो से ले लेकर आ जाए। इसलिए हमने जो हमारी जमा पूंजी थी, मेरी जमा पूंजी थी जो मैंने पवन खेड़ा जी को AICC के लिए दी है, इसके पहले भी मेरे छोटे वाले भाई ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी को गुल्लक भेंट की थी अपनी। अच्छा ये बताइए कि ये पैसे तो आपने कैसे पैसे थे, ये कैसे जमा पूंजी किए थे? ये मेरी एक साल की जमा पूंजी थी जो मुझे घर से दी जाती थी किसी चीज़ के लिए कि आपको कुछ चाहिए तो आप ले लेना, पर मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मैं चाहती हूँ कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने, उस देश का संविधान बचा रहे। जो मोदी जी कह रहे कि हम संविधान बदलेंगे, तो हम नहीं चाहते कि संविधान बदले। राहुल जी में आपको होप दिखती है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जी बिल्कुल बनेंगे, काबिल है वो, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, उन्हें देश चलाने की, उन्हें ये पता है कि निचले तबके के व्यक्ति की समस्या क्या है। इस वजह से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए।